तो नमस्कार कक्षा 10 के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका आ गया है पार्ट 2, क्वार्टरली एग्जाम 2021-22 विषय समाज विज्ञान SST का जो सॉल्यूशंस है। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक कर लिए थे सॉल्यूशंस हल, जो कि आपके लिए 1 अक्टूबर में आपको पेपर में रियल देखने को मिलेगा, यही पक्का है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे 9 से लेकर 20-23 तक पूरे पूरे सॉल्यूशंस इंग्लिश मीडियम क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम SST का। चलो चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, धोखे से है 19 लिखा गया। तो क्वेश्चन है प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर, क्या ग्रुप्स प्रेशर? तो इसका आंसर ही लिखा है सर, ग्रुप प्रेशर ग्रुप्स हैव अ स्पेशल स्पेस इन अ करंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। इन दी कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इट कैन बी सेड दैट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर फुलफिल दी इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स एग्जर्ट्स प्रेशर फॉर दी एयर फुलफिलमेंट देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप। ध्यान दीजिए, आपके पास समय कम है, इसलिए आप चाहे तो इस वीडियो को 4-5 बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको दिमाग में विजुलाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा सिर्फ आपके देखने से, ना लिखना पड़ेगा बार बार ना कुछ। इसलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें या लिख लें वीडियो को रोककर, या आप 4-5 बार इस वीडियो को देख लें तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? समझते ही हम क्वेश्चनों की हल करेंगे। अब आंसर है द वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन प्रेजेंटेड अ सिंपल एंड वाइडली यूज डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है जो वातावरण में है, तो वह क्या है? कई चीज़ें हैं, पदार्थ जो कि स्थिर हैं, जैसे कि पत्थर, कोयला, तेल, जो मिट्टी तेल जो कि खदानों से निकलता है। अकॉर्डिंग टू इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट इन विच द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आर मीट बाय द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग दी फुलफिलमेंट द नीड्स ऑफ फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है? तो इसका बड़ा सरल इजी आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है, आंसर है पर कैपिटा इनकम इज सेड टू बी दी इनकम व्हेन दी टोटल GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री इज डिवाइडेड बाय दी पॉपुलेशन दैट कंट्री ऑफ एट दी मिड टर्म दैट ऑफ दैट ईयर। इट गिव्स अस मॉनिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ दी एवरेज इनकम रिसीव्ड बाय दी रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज डिस्गिस्ड आर कन्वर्ट अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है या दृश्य बेरोजगारी है उससे क्या तात्पर्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड यानी अदृश्य यानी जो छुपी हुई है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई। दिस इज द सिचुएशन, कौन सी हालत होती है? वह हालत होती है जब अ वर्कर एक मजदूर इज वर्किंग बट इज पोटेंशियल इन नॉट फुलफिलिंग, वो काम तो करता है लेकिन जितनी उसकी क्षमता है वह उतना नहीं करता और वह उतना उसके पैसा नहीं कमा सकता। इन सच अ सिचुएशन अ वर्कर इज एंगेज्ड इन अ पार्टिकुलर वर्क बिकॉज ही हैज नथिंग टू डू बेटर देन हिम, लेकिन उसको उस काम के करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, और कोई उसके पास उपाय ही नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज इट फॉर ह्यूमन लाइफ, बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता, क्या जैव विविधता क्या है? तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे पर्यावरण में रहते हैं, ही तो जैव विविधता है। एक साथ बायोडाइवर्सिटी इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ एवरीथिंग, एवरी लिविंग बींग, सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है? जैव विविधता अति आवश्यक है। दिस हैबिटेट ऑन विच वी लिव इज फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दिस एरिया ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर्म एन इकोसिस्टम बनाते हैं। सो डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली फॉर अदर ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट इज फॉर एवरी ह्यूमन आल्सो,
अब क्वेश्चन नंबर 14, समय काम इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक। अब जो इम्पैक्ट जो आंदोलन होते हैं वो तो अर्थ यानी पैसा जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर में लिखें ड्यूरिंग द करेंट मूवमेंट नाउ मोर देन 3 डजन महापंचायत हैव बीन हेल्ड। देयर आर फार्मर्स ऑन दी स्ट्रीट्स एंड कॉमन आर अपसेट। देयर इज ह्यूज फाइनेंशियल लॉस एवरी डे। द बिगेस्ट इम्पैक्ट दैट हैज बीन इकोनॉमिक ऑफ दी मंडीज। तो अभी उन्होंने उदाहरण देकर एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है कि आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, और जो प्रभाव पड़ा है पैसों पर वो मंडी पर ज़्यादा पतर किसानों की मंडियों पर भाव पर पड़ा है। और वो क्वेश्चन नंबर 15, हाउ सोशल डिविजन रिप्रेजेंट पॉलिटिकल इन सोसाइटी। तो किस प्रकार आंसर है, आंसर इफ पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट कमिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेसिव पार्टीशन देन इट टर्न इन टू पार्टीशन एंड देयर कैन बी डिवीजन इन दी कंट्री। इट हैज़ हैपन्ड इन मैनी सच कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थन आयरलैंड, नॉर्थन आयरलैंड लॉन्ग। ये सब आपके लिए लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना है। क्या है कि जो वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम का है, तो इसे आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो कर ही लें, वो तो कर दिया होगा, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी टुक बैक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों ले लिया था हमने जो मूवमेंट वापस। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप लिख लें, बट इन 1921। इस प्रकार क्वेश्चन है, एक पुलिसमैन था उसकी मृत्यु हो गई थी तो इस प्रकार अहिंसा होने लगी तो जो गांधी जी थी उन्होंने वह आंदोलन छोड़ दिया। इसका आंसर है इस प्रकार, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जी है तो आप लिख लें और याद कर लें। अभी क्वेश्चन नंबर 20, 16 से 20 डायरेक्ट आ गया, जैसे 17, 18 और 19 हमने आपके लिए नहीं बताया है, माफ़ कीजिएगा। अब 20, 21, 22 बता रहे हैं, बस इतनी कर लीजिए आप पास तो हो ही जाएंगे, बहुत अच्छी बढ़िया है। और बात आप खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत करें। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पढ़ते हैं, भारतीय नेशनल एस्पिरेशंस डेवलपमेंट इन बालकांस, बालकांस वाला है तो आंसर में लिखना है द राइज ऑफ रोमांटिक नेशनलिस्ट बाय द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ दी, पूरा आना है बिल्कुल, आप तो लिख लें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलो अब पढ़ लें, आप पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ो मन में, ये वीडियो को रोक लें और बस पढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 लास्ट से थर्ड नंबर का लास्ट है, भाई डिस्कसिंग द साल्ट जर्नी यानी साल्ट जर्नी क्या नमक सत्याग्रह, एक्सप्लेन व्हाट आर द मेजर्स, क्या उसमें रिजल्ट हुआ, या जो रिजल्ट महात्मा गांधी स्टार्ट दी रिजल्ट रिसल्ट मार्क विल बी टेस्टेड 78 जो लिखा है वॉलंटियर्स दिस जर्नी बाय टू इंड साबरमती आश्रम इंडिया साल्ट टाउन ऑफ द गुजरात ऑन ऑल दीज प्राउड ऑफ द साल्ट मार्च गिवन दी नमक सत्याग्रह। आपने पुट गया ये एक पैकेट आता है नमक का उस पर दांडिया लिख दांडी लिखा रहता है, इसी कारण ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट से सेकंड, व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लग सकते हैं, इजी क्वेश्चन है तो अब करते हैं। वी सी मैनी सच एग्जाम्पल अराउंड अस विच पॉल्यूटिंग अवर एनवायरमेंट यानी जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, जी गार्बेज कचरा बाथिंग एनिमल्स ऑन पॉन्ड तालाबों में जानवर नहाना स्मोक फ्राम यूजिंग बोर्ड लकड़ी का उपयोग करते हैं कंडाई का तो धुआं निकलता है एक्सेसिव एरोजन ऑफ फॉरेस्ट वन कटाव वनों का कटाव स्मोक फ्राम व्हीकल्स वाहनों से धुआं निकलता है स्मोक फ्राम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्री उद्योग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कितना धुआं निकाल दिया, आपने देखिए कहीं, हाँ देखना कभी अगर कहीं जाओ तो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 23, अब क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज दी थर्ड सेक्टर डिफरेंट फ्राम दी सेक्टर्स, हमने बताया था कितने सेक्टर हैं, नहीं बताया, चलो हम बता दे रहे, प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। तो जो थर्ड जो सेक्टर है इंटरटियरी सेक्टर जैसे बोलते हैं वह दो इन से किस प्रकार भिन्न है, तो लिखना है टर्टियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दी सेक्टर्स बिकॉज इट एक्टिविटीज हेल्प इन दी डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स, क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्या प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं, दीज एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स देमसेल्व्स, बट अब हम समझ लेते हैं प्राइमरी, प्राइमरी वो है जो क्या करती है कच्चा माल बनाती है, जैसे किसान अपना क्या बनाता है, अब मान लो किसान गेहूँ बनाता है, अब गेहूँ से बिस्किट कौन बनाता है, फैक्ट्री, तो वो हो गई सेकेंडरी, बिस्किट कौन बनाता है
इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री, तो भाई क्या हो गई, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या हो गई, सेकेंडरी सेक्टर हो गई। अब थर्ड, थर्ड क्या है, दुकान वाले फैक्ट्री से लाएंगे थोक माल और बेचेंगे बिस्किट तो आपके लिए, तो ना तो जो थर्ड मैनी बिस्किट है बेचने वाला, ना वो कच्चा माल बना रहा गेहूँ, ना ही वो बिस्किट बना रहा, तो जो वो सिर्फ क्या कर रहा, बेचने का काम कर रहा, तो ये थर्ड में आएगा। यानी इस प्रकार है, जैसे सेवा करते हैं, ट्रेन है, ट्रेन चलाने वाला यार, ट्रेन चलाने वाला ले लूँ, तो वो क्या है, ना ट्रेन बनाता है ना कुछ और, सिर्फ ट्रेन चलाता है, इसलिए भी थर्ड। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन 13 का बड़े ही अच्छे से आंसर, तो आप इंग्लिश में लिखना है इसे, तो इस प्रकार आप इसको पढ़ लें और लिख लें। अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, 4-5 दिन बाद बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक इस चैनल पर आएंगी, याद करने की, समझने की, सब कुछ। और जब भी अर्धवार्षिक आपके पेपर होंगे, हाँ फिर लिखोटी तो हो सकेगा तो वो भी इस पे आएगी, तो क्या जा रहा, सब्सक्राइब कर ही रखो बस। चलते हैं दोस्त, आपका आपके लिए नमस्कार करता है, हजार हजार धन्यवाद आपके लिए वीडियो देखने के लिए।